राधे राधे व्यूअर्स, आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी। और ये डिज़ाइन हमारा सीधी तरफ से इस तरीके से ऐसा दिख रहा है और इसकी उल्टी साइड बैक साइड ऐसी दिख रही है। तो ये डिज़ाइन आठ आठ फंदों का डिज़ाइन है। यहाँ से यहाँ तक आठ फंदे आठ फंदे आठ फंदे और तीन फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये डिज़ाइन हमारा सेट होगा। तो ये डिज़ाइन आप जेंट स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, टॉप या स्टॉल किसी में भी इसे आप डाल के बना सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसमें आप चाहें उसमें इसे डाल के सुंदर सा ये डिज़ाइन है इसे बना सकते हैं। तो ये 12 सिलाइयों में ये डिज़ाइन बनता है। यहाँ से यहाँ तक ये 12 सिलाइयों में ये पूरा पैटर्न बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने इसमें 19 फंदे डाल लिए हैं और ये हमारी सीधी सिलाई है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, फिर दो फंदों को अपनी साइड से एक फंदा बनाएंगे, यहाँ जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा जाली डालेंगे। यहाँ पे इस फंदे को घुमाएंगे, एक फंदे को, दो फंदों को एक साथ पीछे की साइड से दो का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। तो इस फंदे को छोड़ के, पहले फंदे को छोड़ के इन्हीं आठ फंदों को आगे आगे रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन सेट होगा। तो एक फंदा है, रिपीट करते वक्त इसमें हमारे तीन फंदे आ जाएंगे, फिर दो फंदे सीधे। तो यहाँ पे हमारे अब तीन फंदे हो गए जब हमने रिपीट किया तब। तो दो फंदे सीधे और अब इन दो फंदों को अपनी साइड से एक फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, इस फंदे को घुमाएंगे पीछे की साइड से और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। तीन फंदे बचे, दो फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये डिज़ाइन की हमारी पहली सिलाई है और इसमें जितनी भी सिलाइयाँ उल्टी आएंगी वो सारी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो सारी सिलाइयों को ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो हम इस सिलाई को उल्टा बुन लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है, इसको पूरा उल्टा बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई बन गई है। अब इसकी तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, पहले दो बने थे अब एक बुनेंगे और इन दो फंदों को अपनी साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, यहाँ जाली डालेंगे इस तरीके से और फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, यहाँ जाली बनाएंगे और ये इस फंदे को घुमाएंगे पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहाँ पर और फिर एक फंदा यहाँ पर सीधा। तो बस इन्हीं फंदों को हम आगे आगे रिपीट करें। अब ये दो फंदे हैं, इनको अपनी साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर यहाँ जाली बनाएंगे, इस फंदे को घुमाएंगे पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में दो फंदे बचे दोनों को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई बन गई। अब इसकी चौथी सिलाई है, उल्टी सिलाई है। तो इसको हम पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इस सिलाई को पूरा उल्टा बना लेते हैं। अब इसकी पांचवी सिलाई है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब इन दो फंदों को इस तरीके से ऐसे फंदा घुमाएंगे इस वाले को और पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे सीधे बुनेंगे। तो पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदों का एक फंदा बनाया पीछे की साइड से, यहाँ जाली बनाई और फिर हमने पाँच फंदे सीधे बुने हैं। अब यहाँ जाली बनाएंगे इस तरीके से और ये जो तीन फंदे हैं इनको हम एक फंदा बनाएंगे। तो इस फंदे को घुमाएंगे पीछे की साइड से, इन तीनों फंदों को हम एक साथ लेते हुए तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ जाली बनाएंगे और फिर पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ जाली बनाएंगे इस तरीके से।
अब ये जो फंदे दो हैं इनको अपनी साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, लास्ट वाला फंदा सीधा बनेंगे। तो ये हमारी पांचवी सिलाई थी जिसमें हमने पहला फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदों को एक साथ दो का एक बनाया पीछे की साइड से, फिर जाली बनाई, पांच फंदे सीधे जाली, फिर तीन फंदों को एक साथ बुनते हुए एक फंदा बनाया, फिर जाली, फिर पांच फंदे सीधे जाली, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया अपनी साइड से एक फंदा सीधा। तो ये पांचवी सिलाई बन गई है हमारी। अब इसकी छठी सिलाई है और ये पूरी हम उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो हम इस सिलाई को पूरा उल्टा बना लेते हैं। अब ये हमारी सातवीं सिलाई है और सीधी सिलाई है, डिज़ाइन इस तरीके से ऐसे दिखने लगा है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे। अब इस फंदे को घुमाएंगे और पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, जाली बनाएंगे यहाँ पे, और तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर इस फंदे ऐसे जाली बनाएंगे यहाँ पे, और फिर इन दो फंदों को अपनी साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। इन्हीं फंदों को हम आगे आगे रिपीट करेंगे। पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुना, दो फंदों का एक फंदा बनाया पीछे की साइड से, जाली बनाई, तीन फंदे सीधे जाली, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया अपनी साइड से और एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। अब इस फंदे को ऐसे घुमाएंगे, पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, जाली बनाएंगे यहाँ पर, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब यहाँ जाली बनाएंगे ऐसे और इन दो फंदों को अपनी साइड से एक फंदा बनाएंगे ऐसे, लास्ट में दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इसकी सातवीं सिलाई बन गई है। अब इसकी आठवीं सिलाई है और पूरी उल्टी बनाएंगे। तो इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी नवी सिलाई है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक दो तीन, इस फंदे को ये पहला फंदा स्लिप किया, दो फंदे सीधे बुने और अब इस फंदे को घुमाएंगे, पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, यहाँ जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली बनाएंगे इस तरीके से। अब ये एक फंदा ये है और एक ये जाली वाला, इन दोनों को अपनी साइड से एक फंदा बनाएंगे, फिर बीच में ये एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, इसी तरीके से इस फंदे को घुमाएंगे, पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली और इन दो फंदों को अपनी साइड से एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में तीन फंदे बचे, इन तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। तो हमारी नवी सिलाई में पहला फंदा हमने स्लिप किया और ये दो फंदे सीधे बुने, फिर यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, एक फंदा सीधा जाली, और फिर यहाँ एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे जाली, दो फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा जाली, और फिर ये तीन फंदे सीधे, लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये हमारी नवी सिलाई बन गई है। अब इसकी दसवीं सिलाई है तो पूरी उल्टी बनेगी। तो इस सिलाई को पूरा उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। दसवीं सिलाई बन गई है। अब इसकी ग्यारहवीं सिलाई है, पूरी सीधी बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं बनना है, पूरी सीधी सिलाई को इससे सीधा सीधा बनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारी ग्यारहवीं सिलाई है और सारे फंदे हम सीधे बुनते हुए ये ग्यारहवीं सिलाई को कंप्लीट करते हैं। अब इसकी उल्टी सिलाई है और बारहवीं सिलाई है, तो पूरा हम उल्टे बनाते हुए ऐसे फंदे, पूरी उल्टी सिलाई बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम इस सिलाई को पूरा उल्टा बना लेते हैं। तो ये 12 सिलाइयों में हमारा इतना सही डिज़ाइन बना, ये दो डिज़ाइन है, एक दो, ये दो डिज़ाइन बने हैं 12 सिलाइयों में, एक पैटर्न यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ है। अब इसके ऊपर
फिर रो वन बनाएंगे, तो इसकी एक सिलाई आपको बताते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे नीचे से, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे अपनी साइड से, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाली बनाएंगे, इस फंदे को घुमाएंगे पीछे की साइड से, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, एक फंदा सीधा। तो ऐसे ही ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर इन दो फंदों को अपनी साइड से एक फंदा बनाएंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाली, फिर इस फंदे को घुमाएंगे पीछे की साइड से, दो फंदों का एक फंदा, लास्ट में ये दो फंदे सीधे, लास्ट वाला फंदा भी सीधा बनेंगे। तो ये रो वन दोबारा से पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया। तो इन्हीं 12 सिलाइयों को आप आगे आगे रिपीट करेंगे, तब ये डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा जैसे ये बना हुआ है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।